आपको हैदराबाद के डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी लिए चलते हैं, जहां देखिए कैसे एक छोटा कमरा तैयार किया गया है। और इस कमरे में शीशे की दीवार पर दो दस्ताने टंगे हैं, जिनमें हाथ डालकर कोरोना मरीज की जांच की जाती है। Standing outside and the patient will go inside, and we have provided two gloves where the doctor can insert his hand and take a swab test, and we have made a two-way communication system. The doctors can give the instruction to the patient, and the patient whatever he wants, he has got a doubt. इसके बाद डॉक्टरों ने उस क्योसेक को भी दिखाया जहां मरीज को खड़ा किया जाता है, जिससे अगर मरीज को कोरोना है तो वहां न फैल सके। साथ ही ये भी दिखाया कि कैसे इसके अंदर चारों तरफ से पानी की पाइपलाइन है। साथ ही मरीज को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल के छिड़काव का इंतजाम भी किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्योस्क में डॉक्टर भी बैठकर दूसरी तरफ आए मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैसे कोरोना के मरीज का इलाज किया जा रहा है, कैसे उसके मुंह से सैंपल लिए जा रहे हैं, गले, श्वास नली के लिक्विड और मुंह की लार के सैंपल लिए गए, क्योंकि नाक और गले के पिछले हिस्से दो ऐसी जगह है जहां वायरस के मौजूद होने की संभावना ज्यादा होती है, लिहाजा यहीं से सैंपल कलेक्ट किए गए। हर मरीज की जांच के बाद वहां लगे दस्तानों को सैनिटाइज किया जाता है, ताकि अगर दस्ताने कोरोना संक्रमित हो गए हों तो वो साफ सुथरे हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर एक साथ कई मरीजों को देखते हैं, लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक मरीज से दूसरे को संक्रमण ना हो। हालांकि अभी सैंपल लेने और रिपोर्ट देने तक में लगने वाला समय लगभग 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे ही और लैब बनाकर इस टाइम को कम करने की कोशिश की जा रही है।